वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे पास दे रखा है डेली वेजेस, दे रखा है हमारे पास ग्रुप, दे रखा है अलग अलग नंबर, दे रखा है यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप्स है, टोटल 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 है टोटली, 5 दे रखा है। और यहाँ पर हमारे पास दे रखी है फ्रीक्वेंसी, दे रखी है एक तो है ग्रुप्स, हमें यहाँ पर लिखना है ग्रुप्स, ग्रुप्स में टोटल 5 है, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ये तो हमारे पास दे रखे हैं ग्रुप्स। अब है फ्रीक्वेंसी, 12, 14, 8, 6 and 10, जो भी हमारे पास क्वेश्चन हो उसको हमें ऐसे इस टाइप से हमें लिखना है। अब हमें मीन फाइंड करना है स्टेप डिवीजन मेथड से, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो आने वाला है xi, xi को हम बोलते हैं मिडल वैल्यू या हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। मीन फाइंड करना हो स्टेप डिवीजन से या एज्यूम मीन से या डायरेक्ट कोई भी मेथड हो, xi फाइंड करना बहुत जरूरी है। इस पूरी लाइन को बोलते हैं L1, इस पूरे लाइन को बोलते हैं L2, L1 मतलब होता है लोअर लिमिट, तो ये सारी लोअर लिमिट है और ये सारी अपर लिमिट है, इसमें ये लोअर ये अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, ऐसे दो लिमिट है, लोअर मतलब छोटा, अपर मतलब हाई, लिमिट्स दे रखी है यहां से यहां तक। तो अगर हमें यहां पर सेंटर वैल्यू फाइंड करना है, xi फाइंड करना है, मिडिल वैल्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला ये है, दोनों को ऐड करके हाफ कर, जैसे इस ग्रुप के अंदर है, इन दोनों को ऐड करेंगे होता है 220, 220 का हाफ होता है 110, ये ऐसे भी कर सकते हैं 0 का 0, 10 और 12 के बीच में आता है 11, मिडिल वैल्यू हमें ढूंढना है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में क्या आता है वो हमें ढूंढना है। अब देखेंगे लगातार 20-20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है, तो लगातार गैप 20-20 का है, हम क्या करेंगे इनमें 20-20 ऐड करते रहेंगे, तो ये आता है आपके 130, फिर आता है आपके 150, फिर आता है 170 और फिर आता है आपके 190, इन दोनों का मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू मतलब दोनों को ऐड कर लो, 380 का हाफ होता है आपके 190 होता है, तो ये मिडिल वैल्यू हम निकाल देंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर fi बोलेंगे। अब हमें अगला पॉइंट जो फाइंड करना है वो है ui, इसको हम कहते हैं ui कहते हैं, ui का मतलब होता है xi माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला है, xi में से a माइनस करो और h का डिवाइड कर दो, h मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप, जैसे यहाँ पर 20 का गैप है तो h कितना हो गया आपके 20, यहाँ पर भी 20 का गैप है, इधर भी 20 का गैप है, तो गैप को हम बोलते हैं 20, यहाँ पर भी देखो 20-20 का गैप है, इन सब में 20 का गैप है, तो h क्या हो गया आपके 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a है, a मतलब होता है एज्यूम करना, तो हम क्या करते हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है भाई आपके, इसको हमने एज्यूम कर लिया, इसको हमने a कर लिया, a मान लिया इसको। अब हमें इस फॉर्मूले से ये सारे फाइंड करने, देखो ये फॉर्मूले से हम एक बार फाइंड करके बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो ui फाइंड करना है तो xi दे रखा है 110, ये है आपका 150 और फिर यहाँ पर 20 का डिवाइड लगाना है, तो यहाँ पर आता है माइनस का 40 अपॉन 20 करेंगे दिया आएगा माइनस का, ऐसे ही बताया है मैंने आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला आपको हर एक के लिए करना है, 130, 150 ऐसे करके यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करते रहना है आप। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिसको हमने ए लिया है ना उसकी जगह हमें क्या लिखना है, जीरो लिख देना। अब क्या करेंगे, इधर चलना है माइनस में, इधर चलना है प्लस में, और हमें लिखना है इंटीजर, माइनस में 1, माइनस में 2, प्लस का 1 और प्लस का 2, देखो ये माइनस का 2 आ गया, यहाँ पर आपको माइनस में 1, 2 लेना है, इधर आपको प्लस में 1, 2 लेना है, और जिसको हमने ए माना है, जिसको हमने एज्यूम किया है, वहाँ पर जीरो आएगा, एक तरफ वैल्यू माइनस में होगा, एक तरफ वैल्यू प्लस में होने वाला है, इस प्रकार से।
अब हमें लेना है यहां पर एफ आई यू आई, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा एफ आई ये रहा यू आई, दोनों को आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 टू जा होता है आपके 24, मतलब हमें इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें लेना है इन दोनों को 14 वन जा 14, फिर 0 का 0, 6 वन जा 6, ये आपके प्लस का है, 10 टू जा 20, ये भी आपके प्लस का है। सबसे इजी मेथड यही है, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप आ जाए कोई मतलब नहीं, यहाँ पर फिक्स है यही नंबर आएंगे। यू आई मेथड सबसे इजी रहता है, यहाँ पर 0 आएगा, इधर माइनस में 12, इधर प्लस में 12, फिक्स रहता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बताया है, वरना आपको फिक्स हमेशा यही वैल्यू लिखने हैं। किसमें? स्टेप डेविएशन मेथड में, यू आई वाले मेथड में हमेशा आपको ऐसे ही लिखने हैं। अब हमें फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मीन का फॉर्मूला है एफ आई यू आई, पहले यहाँ पर एक्स आई था, फिर यहाँ पर डी आई आया, अब यहाँ पर यू आई है, अपॉन सिग्मा एफ आई। इधर हमें क्या करना है, जिसको हमने यहाँ पर माइनस किया था इधर हमें यहाँ पर प्लस करना है, जिधर हमने एच का डिवाइड किया था इधर हमें एच से मल्टीप्लाई करना है। माइनस किया तो प्लस कर दो, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो इस फॉर्मूले से ही आए हैं। ये तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जीरो माइनस वन प्लस वन लिख दो ऐसा बता रहा हूँ, जबकि निकलते इस टाइप से हैं। तो यहाँ पर हमने ए माइनस किया, ऐड कर लिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर मीन का मीन ए, ए हमने किसको माना हुआ है, 150 को माना हुआ है, प्लस का प्लस, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एच कितना है 20 है। अब ये वाला ऐड करते हैं, पहले एफ आई कर देते हैं, 12, देखो यहाँ पर 12 और 8 20, ये भी 20, 20 40 प्लस 10 हो गया आपके 50, तो ये हो गया है आपके 50। अब एफ आई यू आई लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ये तो है आपके प्लस का 26 और ये है आपके माइनस का 38, दोनों को अगर आपस में माइनस करता हूँ तो ये आता है 12, ज़्यादा कौन सा है माइनस वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन का मीन, इसको मैं यहाँ पर, ये मीन है, ये है आपका 150 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर है आपके 12, डिवाइड में हम 5 लिख देते हैं, इधर हम 2 लिख देते हैं क्योंकि 0 से 0 हो गया आपके कैंसिल। फिर मीन का मीन 150 का 150, अब 12 टू जा होता है 24, 24 में हमें 5 का डिवाइड करना है, मीन फाइंड करना है 150 माइनस, जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 48, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगेगा, रफ में डिवाइड कर देना, जब भी किसी में 5 का डिवाइड करते हैं ना तो नंबर को डबल कर देते हैं, 24 का डबल 48, फिर एक के बाद पॉइंट लगा दो। अब दोनों को आपस में माइनस करना है, रफली माइनस कर देना ऐसे, यहाँ 0 लगाकर 4.8 लगाकर दोनों को आपस में माइनस कर देना, तो ये आएगा आपके 145.2 और ये होने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं आया तो कमेंट में बताओ कहाँ पर डाउट है।